क्या आप स्मार्ट पत्नी बनने के सारे टिप्स एंड टेक्निक्स को जानना चाहती हैं? क्या आप एक स्मार्ट पत्नी बनके अपने पति की ग्रोथ करना चाहती हैं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक लड़की जब शादी करती है तो वो पत्नी तो बन जाती है, लेकिन हमेशा वो स्मार्ट पत्नी बनने की ख्वाहिश जरूर रखती है। ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकती है, लेकिन वो उन टिप्स एंड टेक्निक्स को जानती ही नहीं है जिससे वो स्मार्ट पत्नी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 ऐसी टिप्स और टेक्निक्स जिससे आप एक पत्नी से स्मार्ट पत्नी बन सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि खुद को पॉजिटिविटी के साथ ही ससुराल में दाखिल करना है। यानी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि ससुराल में कैसे लोग होंगे, कैसे मेरे पति के परिवार वाले होंगे। ऐसे में आपको खुले मन से अपने ससुराल में दाखिल होना है। वहां पर हर चीज को नए नजरिए से देखना है। पॉजिटिविटी के साथ अपने ससुराल में दाखिल होंगी तो हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगी, अपने दिमाग को खुला रखेंगी तो खुश भी रहेंगी और सबको संतुष्ट भी कर पाएंगी। इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। ऐसा नहीं कि आपने मायके में कोई बात सुनी है कि ससुराल में ये चीजें होती हैं और वही चीजें आप ढूंढने लग जाएं। आपको वहां पर पॉजिटिविटी देखनी है, क्योंकि हर इंसान में कुछ नेगेटिव बातें होती हैं तो कुछ पॉजिटिव बातें भी होती हैं। लेकिन आपको अगर स्मार्ट पत्नी बनना है तो हर इंसान के अंदर नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव बातों को ढूंढना शुरू करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्तों को जोड़ पाएंगी और खुद को स्मार्ट पत्नी के रूप में सबके सामने पेश कर पाएंगी। दूसरा काम आपको करना है कि आपके ससुराल में जो है उसी से संतुष्ट रहना है। यानी कई बार लड़कियां जब ससुराल में पहुंचती हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर पहुंच जाती हैं कि हमारे ससुराल वाले हम पर इतना खर्च करेंगे, वो हमें ऐसे घुमाएंगे। लेकिन जब उनकी मुलाकात सच्चाई से होती है तब वो घबरा जाती हैं। लेकिन आपको दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमेशा आपके ससुराल में जो है उसी में संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, खुश रखना है। कभी भी अपने पति को या सास ससुर को ताने नहीं देने हैं कि आपके घर में ये नहीं है, मेरे मायके में ये था, या तो फिर आपने ये बताया था। अब आप उस घर में बहू बनकर आ गई हैं, वहां पर आपको जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी है और सबको संतुष्ट रखने की भी कोशिश करनी है। एक स्मार्ट पत्नी थोड़े से में ही बहुत सारा बना सकती है और यही उसका गुण होता है। इसमें थर्ड टिप जो आपको फॉलो करनी है कि खुद की ग्रोथ पर लगातार ध्यान देते रहना है। ससुराल में आए हो तो वहां पर आकर ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। जो आप सीख रहे हो उसे सीखते चले जाएं। बचपन में आपने पढ़ाई सीखी थी क्योंकि आप मायके में थे, लेकिन अब आपकी शादी हो गई है, आप ससुराल में आ गए हैं। वहां पर भी अगर आपको किसी के घर में जाने का मौका मिलता है, वहां पर आप देखते हैं कि वो लोग कैसे अपने घर को मेंटेन रखते हैं, या तो कुछ और चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है, या किसी ने घर में कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाई है उसे सीखें। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से सीख कर आता है। इस दुनिया में जब हम आते हैं तो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और आपकी ये लर्निंग सारी उम्र चलती रहती है। अगर आपको स्मार्ट पत्नी बनना है तो जहाँ से भी आपको जो भी चीज़ सीखने को मिले उसे सीखना है और उसको बनाकर भी देखना है, या तो फिर घर वालों को बनाकर खिलाना भी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप धीरे 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 करते करते स्मार्ट पत्नी बनना शुरू हो जाएंगी। इसमें फोर्थ काम जो आपको करना है कि आपको खुद को मेंटेन करके रखना है। यानी
कई लड़कियां ऐसी होती है जो शादी के शुरुआती दिनों में तो अपने आप को बना कर रखती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार में ऐसा रहने लग जाती हैं जैसे घर में अच्छे कपड़े नहीं पहनती, उनका शरीर भी बेडोल हो जाता है, वो खुद को अट्रैक्टिव नहीं दिखाती हैं। और साथ ही आपको अपने साथ साथ अपने फैमिली के दूसरे लोगों को भी मेंटेन करके रखना है, अपने पति के लिए हर कपड़े का हर चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो कपड़े बहुत सुंदर पहन लिए लेकिन आपके बच्चे या तो फिर आपके पति के शर्ट के बटन टूटे हुए हैं या कोई चीज़ और जिसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि उनके कपड़े ठीक नहीं हैं, उनकी कोई चीज़ ऐसी है जो टूटी हुई है, तो उसको साथ के साथ ही आपको ठीक कर देना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके पति, आपके बच्चे सब मेंटेन रहेंगे, तो आप एक स्मार्ट पत्नी कहलाएंगी। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने दिमाग में कभी भी फालतू की बातों को नहीं घुमाना है। यानी अब आप ससुराल में हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को भी मिल जाता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है या तो फिर कोई बात कर रहा है जिसे आप सहन नहीं कर पाती हैं। ऐसी बात को सुनकर आपको कभी भी अपने दिमाग में नहीं घुमाना है, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें सुनेंगी और उनको अपने दिमाग में घुमाएंगी तो आपका दिमाग ही खराब होगा और उन मूर्खों के साथ आपको मूर्ख नहीं बनना है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके साथ ना तो बहस करने की जरूरत है, ना ही उनके लेवल तक नीचे जाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ बहस करने के लिए हमें उसके लेवल तक जाना पड़ता है। लेकिन आपको तो एक स्मार्ट पत्नी बनना है, इसलिए अगर आप कभी भी कोई भी बात सुन भी लेते हैं तब भी उसे ये कहकर छोड़ देना है कि ये तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इनको अपना काम करने दो, मुझे तो अपना काम करना है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में कोई फालतू की बात को नहीं घुमाएंगी तो घर में खुशी का माहौल उसी तरह बरकरार रहेगा, लेकिन अगर आप ही अपने मन में वो बातें घुमाना शुरू कर देंगी तो कहीं ना कहीं वो पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर या परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी निकलेगी और आप स्मार्ट पत्नी नहीं बन पाएंगी। आपको अपने आप को संतुष्ट रखते हुए अपने ग्रोथ पर ही ध्यान देना है। इसमें नेक्स्ट काम आपको करना है कि आपकी वजह से आपके पति की ग्रोथ होनी चाहिए। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है। ये ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पति काम पर गया होता है तब उसे कहीं ना कहीं ये चिंता नहीं सताती है कि मेरे घर वालों का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। वो निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान दे पाता है और एक स्मार्ट पत्नी उसके सब काम को मैनेज करती है। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई व्हीकल सीख सकते हैं, घर के छोटे मोटे काम आप खुद भी कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो पति की ग्रोथ निश्चित होती है और पति की ग्रोथ में ही एक पत्नी की ग्रोथ शामिल होती है। और अगर आप ऐसा करती हैं तो आप एक स्मार्ट पत्नी डेफिनेटली बन जाती हैं। इसमें नेक्स्ट काम जो आपको करना है कि अपने कामों को सही जगह पर और सही समय पर करना है। यानी जब मॉर्निंग के काम होते हैं तो उस समय मॉर्निंग के काम ही करने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पति को तो ऑफिस जाना है, लेकिन उस समय अगर आप कपड़े धोने के लिए बैठ जाती हैं या तो फिर घर के दूसरे काम करने बैठ जाती हैं तब वो काम रुक जाएगा और आपके पति का कहीं ऑफिस से या तो फिर आपके बच्चे स्कूल जाने से लेट हो जाएंगे क्योंकि उनको नाश्ता नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आप पहले नाश्ता करवा देती हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद आप घर के काम करती हैं, तो आप धीरे धीरे एक स्मार्ट पत्नी बन जाती हैं, क्योंकि आप अपने घर को अच्छे से मैनेज करना सीख जाती हैं। आपको पता है कि कौन सा काम किस समय पर करना है और यही स्मार्ट पत्नी की एक निशानी होती है। अगर आप ये कर पाती हैं तो स्मार्ट पत्नी बन जाती हैं। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको करनी है कि हर काम खुद ही करने की कोशिश नहीं करनी है। जो स्मार्ट पत्नी होती है वो कुछ काम खुद करती है, कुछ काम दूसरों से भी करवाती है। हर काम की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेनी है। अगर घर के कामों में भी आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप किसी मेड को रख सकती हैं,
घर में कोई और भारी काम करना है तो मिलजुल कर कर सकते हैं, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। हर जगह पर खुद को ही आगे आने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट पत्नी घर को मैनेज अच्छे से करती है, भले ही वो सारा काम खुद ना करे। तो आपको स्मार्ट पत्नी बनना है तो घर की मैनेजमेंट करनी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने पति की कमाई को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें। यानी ऐसा नहीं है कि एक पति ने लाकर आपके हाथ में अपनी कमाई दे दी और आप उसे शॉपिंग पर, फालतू की सेल्स पर खर्च कर देती हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपने पति की कमाई में से बचत करनी है और उस बचत को आगे ग्रोथ में लगाना है। आपको पता है कि आपको कैसे उसे सेव करना है, क्योंकि एक लड़की को भगवान ने शुरुआत में ही फाइनेंस मैनेज करने वाली बनाया होता है। इसीलिए लड़कियां अक्सर सेविंग कर लेती हैं और पत्नी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो उस पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है, तो वो स्मार्ट पत्नी बन जाती है। और पति को जब ज़रूरत होती है तब वो उस सेविंग में से निकाल कर अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए उसे यूज़ कर पाती है और पति की नज़रों में एक बहुत ही अच्छी प्यारी पत्नी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बातें जिन्हें आपको फॉलो करना है और एक स्मार्ट पत्नी बन जाना है। आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और हाँ, आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकती हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर आकर आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। हम आपको माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा आपके जीवन में खुशियाँ लाने में आपकी मदद करते हैं, आपको स्मार्ट पत्नी बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शादीशुदा जीवन सुखमय हो। बाय।